तो दोस्त, अगर आपका अकाउंट SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और अब आप लोग घर बैठे अपने SBI अकाउंट में आधार eKYC करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था, जब आपको अपने अकाउंट में eKYC करवाना होता था तो आप ब्रांच जाते थे और तब वहां पर जाकर के आप अपने अकाउंट से आधार eKYC करवा पाते थे। लेकिन अब SBI की ओर से एक नया अपडेट जारी किया गया है जो कि आपको SBI नेट बैंकिंग में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर सबसे नीचे एक लिंक दिया गया है जो कि आधार eKYC के नाम से ऐड किया गया। अब आप लोग घर बैठे ही SBI नेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट में आधार eKYC कर पाएंगे बिना ब्रांच गए। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही SBI नेट बैंकिंग के थ्रू आधार eKYC कर पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। SBI नेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में आधार eKYC करने के लिए सिंपल आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आप लोग सर्च बार में टाइप कीजिए www.onlinesbi.sbi और आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा को डाल करके लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट कर लीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मेन्यू बार पर क्लिक कीजिए और माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको सबसे नीचे ऑप्शन एक दिखेगा eKYC थ्रू आधार अपडेट KYC के जस्ट नीचे, ठीक है। तो आप eKYC थ्रू आधार पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से, योर KYC इज अपडेटेड एज ऑफ नाउ एंड यू डू नॉट हैव टू अपडेट एट प्रेजेंट। मतलब कि मेरा ऑलरेडी KYC अपडेटेड है, इसलिए मेरे को यहाँ पर नहीं बताया गया अपडेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लीज कंटिन्यू इफ यू वांट टू चेंज योर एड्रेस, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका कुछ डिटेल्स जैसे कि नेम, फादर या स्पाउस नेम, मैरिटल स्टेटस और एनुअल इनकम आ जाएगा। कुछ डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना है, फिलअप करना है, जैसे कि ऑक्यूपेशन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, सोर्स ऑफ फंड सेलेक्ट करना है, एनुअल इनकम भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको रिलीजन वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपको रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी एड्रेस अपडेट हो रखा है वह एड्रेस यहाँ पर आपको बैंक रिकॉर्ड में जो पड़ा हुआ है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा, योर एड्रेस इन बैंक रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड एज योर आधार, ठीक है। तो आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक कंसेंट का पेज आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इनपुट करना है जो यहाँ पर आपको बताया गया है, एंटर एंड कन्फर्म द डिटेल्स बिलो आधार नंबर। तो आप अपना आधार नंबर इनपुट कर दीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर एड्रेस एज पर आधार यानी कि आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाया जाएगा और नीचे में पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है, इनपुट कर देना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करके और नीचे में ऑलरेडी कंट्री सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक
कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए, जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है वो सही है या गलत। अगर गलत है तो दोबारा से आप सही कर सकते हैं अभी ही, ठीक है। और सब कुछ आपको सही लगता है तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा ओटीपी, तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना सा ही प्रोसेस करना है, उसके बाद अब आप घर बैठे ही अपने SBI बैंक में SBI नेट बैंकिंग के थ्रू आधार EKYC कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे आपको घर बैठे ही अपने SBI अकाउंट में आधार EKYC कर देना है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की एरर आ रही है इस प्रोसेस को करने में, या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, जानकारी चाहिए, तो आप मुझे नीचे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल रख सकते हैं।